पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. सोहिनी रोहरा अभी तो नया चेहरा नहीं है, बस हालांकि रिसेंटली जो श्रीलंका में मिसेज इंडिया हुआ था उसकी सोहिनी सेकेंड रनर अप है और मिसेज इंडिया अर्थ की टाइटल होल्डर है. अब मिसेज अर्थ जो होने वाला है वहाँ पे सोहिनी इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाली है. शी विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट मिसेज अर्थ. So yes, I am her national director, Mohini Sharma. Again, not a new face for you, and very happy to have her. Very proud to have her here. Thank you. Thank you. So, Sohini, first of all, congratulations. आप जो है runner up बनी थी. Thank you so much. बताइए वो feeling कैसी थी और उस journey के बारे में बताइए कि उसके पहले I'm sure stage पे तो बहुत लोगों ने देखा लेकिन उसकी जो पीछे की जो journey थी वो बहुत लंबी थी. अगर उस बारे में कुछ बात करें. थैंक यू सो मच फॉर द कंग्रेचुलेशंस. पहली बात, कोई अकेले नहीं जीता है. जीतना हमेशा एक टीम के साथ होता है. देर इज़ नो विनर हु कैन विन अलोन. एंड आई हैव हैड द मोस्ट फैंटास्टिक सपोर्ट सिस्टम इन माई जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिवाइन, मूविंग ऑन टू माई फैमिली, मोहिनी मैम एंड द ऑर्गेनाइजेशन. Had so many friends who supported me openly and silently. So the first feeling that I feel when I'm sitting here is immense gratitude. Thank you. Thank you to all of you for being here. So besides the excitement and all of that, I feel gratitude. Thank you to Arustam ji also for doing this and hosting this for me. And the love that I'm receiving really melts my heart. Thank you. तो जर्नी बहुत लंबी होती है और हर एक कदम जब कंटेस्टेंट, तो यहाँ पर मैं सोहिनी का नाम लूँगी, मेरी विनर का नाम लूँगी, हर एक कदम जब विनर लेती है फिनाले की तरफ, हर कदम में मुझे एक बदलाव नज़र आता है, उनकी मेहनत नज़र आती है, उनकी निष्ठा नज़र आती है और वो मेरे लिए अपनी जीत होती है. मुझे ताज देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे कहीं ताज पहले ही दिखना शुरू हो जाता है. जो डेडिकेशन और जो हार्ड वर्क कंटेस्टेंट डालता है अपनी जर्नी पे, वो ही उनकी जीत होती है, वही मेरी जीत होती है. तो सोहिनी का जीतना मैं कहूँगी लिखित था क्योंकि उन्होंने कोई भी, हम इंग्लिश में बोलते ना, वी शी डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न. तो जितना हो सका उतना उन्होंने कर दिया, उतना डेडिकेशन दिखाया, उतना हार्डवर्क दिखाया, तो ये बहुत ही डिजर्विंग विन था सोहिनी के लिए. मोहिनी जी, आपसे जानना चाहूँगा, सोहिनी से भी जानना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, फैमिली को छोड़ के इतना दूर आना, इतनी बड़ी जर्नी कंटिन्यू करना, कितना डिफिकल्ट होता है कंटेस्टेंट के लिए, आप कैसे मोटिवेट करते हो उन्हें, आपसे ये जानना चाहूँगा. और मैम आपसे ये जानना चाहूँगा कि फैमिली ने आपको इस जर्नी में कितना सपोर्ट किया. तो ये फैमिली छोड़ कर या फिर फैमिली पीछे इनके साथ आ गई थी बिकॉज मैं पूरी फैमिली से मिली थी गाला नाइट की रात को. पूरी फैमिली थी वहाँ पे जो सोहिनी को सपोर्ट कर रही थी. शी हैज़ अ वेरी अमेजिंग चार्मिंग मैन हु इज़ बीन सपोर्टिंग हर, एंड उनके फादर इन लॉ भी हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं. आई थिंक फैमिली को देख कर ही मैं काफ़ी खुश हो गई थी गाला में. तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब मैरिड वुमेन एक पैजेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसे तो अपना सब कुछ लगाना पड़ रहा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, क्योंकि ये करियर ओरिएंटेड वुमेन है, इनको अपने करियर को भी थोड़ा साइडलाइन करना पड़ता है. इस बार हमारा पैजेंट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे था, 5 से 10 दिन घर से दूर, अपने ऑफिस से दूर, अपने काम से दूर, और फिर अगर वहाँ पे फैमिली आ जाती है तो बोलते ना चार चांद लग जाता है, वहाँ पर इनकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है और वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी अचीवमेंट से किसी को रोक नहीं पाता. व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस? Could you repeat your question for me, please? Family आपको कितना support करती है? What is the role of the family? मम्मी तो आपको motivate करती है जर्नी में, लेकिन family ने कितना motivate किया? उनकी तरफ से कैसे, जब आपने पहली बार decide किया तो उनकी तरफ से क्या reaction था आपके उस बारे में? My entire family has supported me, but my biggest support and my cheerleader has been my husband. He has, उन्होंने इतना साथ दिया मेरा in every single way. न्यू ड्रेस चाहिए ले लो, आई नीड टू गो समवेयर, टेक केयर ऑफ द किड्स, ठीक है अभी मैं श्रीलंका जा रही हूँ, नो प्रॉब्लम, आई हैव गॉट दिस, गो फुलफिल योर ड्रीम.
So the biggest thank you in this journey goes to my husband in terms of support, unconditional support, and my two children. My daughter Sahana, she's a teenager, she's 13 years old, but she survived without me. My 7-year-old son, it was very difficult for him too. It was his birthday when I had tech rehearsals on the 18th, and I did not meet him till night. Or the previous day, मैंने उनको बोला कि I'm sorry, but I have to do this. And he said, okay, mama, go get the crown. So my support has been unconditional. My father, my in-laws, everyone. I have had amazing support from my family. For that, I'm so grateful. So इन्हीं बहुत लंबा सफर आपने तय किया हुआ है और जल्दी मिसेज अर्थ के लिए भी आप रिप्रेजेंट करने जा रही हैं. तो अभी जो अभी तक की जर्नी है, कैसे लगता है कि ये जो सीखा वो किस तरीके से अगले जो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं उसमें आपकी हेल्प करेगी? जो भी हम सीखते हैं लाइफ में वेस्ट तो नहीं जाता है. एवरी यस, आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन. सो द वन थिंग दैट आई हैव लर्नड थ्रू माय करियर एंड माय एजुकेशन इज टू बी एबल टू पुट योर फीट इन अदर पीपल्स शूज एंड एक्सपीरियंस देम. एक्सपीरियंस करो कि किसी और को कैसी फीलिंग आ रही है. और ये करते करते मैंने फिर आगे जाके सीखा टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम फीलिंग. तो ये जो अवेयरनेस है समझने के मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है और सामने वाले को क्या फीलिंग्स हो सकती है, दिस लर्निंग हैज़ बिकम सो सॉलिड इन दिस जर्नी. बिकॉज आई वॉज विथ 78 वीमेन, दे वर ऑल माई कॉम्पिटिशन एंड दे वर स्टिल माई सपोर्ट. सो दिस इज़ अ लर्निंग जो आगे जाके कॉम्पिटिशन में नहीं काम आएगी, ऑफकोर्स आएगी, लेकिन मेरी पूरी लाइफ में काम आने वाली है. To be able to be empathetic and loving and supportive even to your competition and have faith. पिछले वाले कॉन्टेस्ट में आप जब रनर थी तो उस समय आप ज्यादा नर्वस थी या आप जब जाएंगी तो लग रहा है कि नहीं अब थोड़ी नर्वसनेस कम होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं एक चीज तो मैंने पार कर लिया है सब कुछ? अगर नर्वसनेस नहीं हो तो काफी बोरिंग होगा ना. You need those butterflies, you need to feel nervous. Agar nervous nahi ho to how do I make myself even better? आप बहुत सारे कंटेस्टेंट थे जिनको आपने शुरू से देखा है, तो आप जब यहाँ तक आ गए हैं कुछ चेंजेस आप उनके अंदर देख रही हैं? चेंजेस तो मैं बहुत अभी जब ये बोल रही थी और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं जब पहली बार सोहिनी से मिली थी यहीं पे बॉम्बे में, हमारी मुलाकात हुई थी इनकी ट्रेनिंग के समय, वो सोहिनी में और ये सोहिनी में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है जो मैं देखती हूँ. और वापस से आपके पुराने वाले सवाल पे आऊँगी, नर्वसनेस वाले सवाल पे आऊँगी, तो इस पे तो मैं ठोक बजा के कहती हूँ कि अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो मिसेस के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, तो नर्वसनेस जो भी होगी मेरी कंटेस्टेंट को या मेरी विनर को वो पॉजिटिव वाली नर्वसनेस होगी. 21 साल बाद इंडिया ने बहुत सारे ताज जीते हैं मिसेस सेगमेंट में, और इसलिए जीत पाए हैं क्योंकि हम इनको इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये सिर्फ कम्पीट करने नहीं जाते हैं, ये फॉर श्योर जीतने जाते हैं. तो जो नर्वसनेस होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है. पहले की जो लड़कियां जाती थी, मैं मेरी बात करूँगी, जब 2016 में मैं गई थी तो वो नेगेटिव नर्वसनेस थी, वो डाउट था, सेल्फ डाउट था, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन उतनी उमदा नहीं थी. अब मैं तो अगर आप मुझे पूछोगे कि कब जा सकती है, मैं बोलूँगी ये सोनी कल ही जा सकती है, शी इज़ सो प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनेशनल पैजेंट. सो येस, ऑब्वियसली देर इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज वर्ड नहीं कहूँगी मैं, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन, शी इज़ ब्लूम्ड एंड हाउ. यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ब्यूटी पेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो आपने बहुत सारे चेहरे देखे हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, बट योर जर्नी, यू नो हाउ डू यू सी योरसेल्फ फॉर सो मेनी इयर्स, making India proud और वहाँ पे जाना, representing Indian women over there, I mean ये सारी चीज़ें आप किस तरह से देखते हैं as a woman of course? Obviously I'm a woman and I'm filled with emotions, that goes without saying, and मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जितनी बार मैं जाती हूँ मेरी डेलीगेट के साथ, हर बार लगता है कि मैं ही पार्टिसिपेट कर रही हूँ. मैं भी उतना ही स्ट्रेस रहती हूँ, मैं भी उतना ही नर्वस रहती हूँ, और मेरी डेलीगेट जीतती है तो मैं जीतती हूँ, वो हारती है तो मैं हारती हूँ. तो नसीब कहूँगी मैं कि अगर कई सारी हार देखने को मिलती है मुझे, तो कई सारी जीत भी महसूस कर पाती हूँ मैं. तो ऐसी रही है मेरी जर्नी. बाकी हम सब सीख रहे हैं,
मेरे लिए मेरी विनर्स बहुत ज़्यादा सीख लाती है. हर एक विनर से मैं बहुत कुछ सीख पाती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि क्योंकि अभी ऑब्वियसली हर सब कोई अलग अलग प्रोफेशन से. शी इज़ अ काउंसलर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वर्किंग विद हर. सो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल. I think inspiration comes in multiple forms. Everyone I meet, most people I meet have something to inspire me, including my little children. But my whole life I have found that my biggest inspiration has come from who I want to be. I used to be a very severe stammerer. I couldn't say my name. And I was very isolated. Main sabse chupti thi apne teachers se, friends se. Fir maine decide kiya ki mujhe stammer nahi karna hai. So that was my inspiration to work towards it. So every time I have tried to beat myself, I have found that I am the most inspired, with extra inspiration coming from my support system. लेकिन जो मुझे करना है, जो बनना है, वो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती है. My future self. सोनी जी, वो इवेंट श्रीलंका में हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पे था, बड़ा इवेंट था. मलाइका अरोड़ा मैम भी आई थी, काफ़ी जजेस आए थे. किस तरह से उनसे इंटरेक्शन हुआ या क्या कुछ ऐसा टिप्स हुआ ऐसा अगर कुछ शेयर करना चाहें किस तरह की ट्रिप है? आई विल टेल यू द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट हैपेंड. एक्चुअली टू. I can be quite competitive when I want something, my biggest competition being myself. And during our training process, I think Mohini ma'am is so sharp, you know, she can just judge a personality like this. She came up to me and said, Sohini, I'm not interested in your weaknesses. I want you to concentrate on your strength. Because she knew ki ye ladki apna weakness leke apne aap ko itna jhaadegi ki, you know, I have to bring her on track. So for me, that was a big motivation. Another motivating factor was backstage mein baithi thi competition ke pehle, heart rate upar niche, sar mein chakkar, breathlessness, pyaas lagi hai. And Juhi Vyas came backstage. And she said, all you girls, sochna band karo. Saans andar lo aur bahar nikalo. That immediately calmed my nervous system down and got me back on track. So these are two very big interactions that helped me through this process. I think patience mein of course confidence rehna bahut important hota hai. Sab log wo cheez bahut notice karte hain. Aap jab se aap apni investments pe kafi confidence lagi to ye confidence kahan se aaya? What is the factor jahan se aapko itna confidence aaya ki wale ye also rehna? I think training, you know, kuch we decide to do something karna hai, lekin wo confidence aata hai jab when you train. You have to polish yourself and make yourself worthy of something. और जितना हम अब खुद को polish करें और खुद को train करें, confidence बढ़ते जाता है. So ये आप दिया जब आई तो आपको किस तरह का feedback मिला आपको building में आपके society में बच्चों के school से physical बात की किस तरह के feedback मिलने सकता है? इतना acceptance और love मिला है मैंने सोचा भी नहीं था. I am still processing के इतना encouragement, love, acceptance. It's been beautiful. The biggest message that I would like to give, that age, gender, education, old belief systems, log kya kehte hai, should not be a criteria for working towards your dreams. Just do it. जो करना है अपने दिल से पूछो और निकल पड़ो. डोंट लेट एनी वन होल्ड यू बैक बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग. एज लॉन्ग एज यू विद इन द बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, जस्ट गो फॉर इट. This is अभी लगाने के बाद और बहुत सारे भी कॉन्टेस्ट भी हो रहे, तो लगता है कि ये भी एक रिवॉल्यूशन एक तरीके से. डॉक्टर मैरिट भी आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो.
रिवॉल्यूशन तो है ही, जब सालों पहले फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई थी, निकली थी, और काफ़ी मूवमेंट्स भी आए वुमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें मी टू मूवमेंट एक था जो बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था, और एक के बाद एक ऐसे कई सारी चीज़ें हुई थी जिसका ऑब्वियसली रिपरकशंस तो मिलेगा ही, रिजल्ट तो मिलेगा ही। वुमेन कॉन्फिडेंट होती गई, वुमेन स्ट्रॉन्ग होती गई, उनको इतना पता चल गया कि हाँ, हमारी आवाज़ कोई सुन रहा है। आज हम दोनों के लिए आप इतने सारे लोग आए हो, हमें सुनने आए हो, तो ये तो हम एक तरीके से बहुत बड़ी बात समझेंगे। और ऐसे ही दूसरी औरतें इंस्पायर होती हैं, क्योंकि आप हमारी आवाज़ कई लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाओगे, और जो देख रही हैं अपने घर पे बैठ के, वो सोचेगी कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस भारत की एक औरत दूसरी औरत के लिए रास्ता बना रही है, मैं कहूँगी, और इसी हिसाब से हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी छाप छोड़ कर आ रहे हैं।